Everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing good. Guys, if you remember, दिवाली से पहले मैंने एक पेंटिंग सीरीज शुरू की थी जो दिवाली के DIY शेयर करने की वजह से मैं आपसे शेयर नहीं कर पाई. सो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपको बहुत ही क्विक, इजी एंड क्वाइट एस्थेटिक पेंटिंग आइडिया शेयर करने वाली हूँ, विच इज़ क्वाइट बिगिनर फ्रेंडली और कोई भी ईजिली इसको बना सकता है और बहुत ही कम मटेरियल हमें इसके लिए रिक्वायर्ड है. तो गाइज, आई होप आपको ये आइडिया जरूर पसंद आएगा. तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना. तो चलिए शुरू करते हैं आज का DIY फटाफट से. तो गाइज, इस पेंटिंग के लिए हमें इस तरीके के स्ट्रेस कैनवास चाहिए. आई बॉट दीज फ्रॉम Amazon. आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ये मैंने दो का सेट बाई किया था. आप इसे तीन या चार पेंटिंग के सेट की तरह भी रेडी कर सकते हैं. मैंने यहाँ पर टू पेंटिंग का सेट बनाया है. सबसे पहले हमें मास्किंग टेप लेना है और डायगोनली इस तरीके से पेस्ट करना है, कॉर्नर के एजेस को मैच करते हुए, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे. इसे अच्छे से पेस्ट कर दें. आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट अप्लाइंग कलर. मैंने यहाँ पर टर्कोइज ब्लू कलर का यूज़ किया है. दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कलर. आप अपनी इच्छा से कोई भी कलर अपनी पसंद से यूज़ कर सकते हैं. टेप के एजेस के पास से अच्छे से कलर करें और कैनवास के साइड्स में भी हमें कलर करना है, केवल टू साइड्स में, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं. सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमें दूसरे कैनवास पर भी कलर करना है. यहाँ पर मैंने टर्कोइज ब्लू में येलो कलर को मिक्स किया है और एक ग्रीन का टच दिया है. नाउ लेट देम ड्राई प्रॉपरली. कलर्स ड्राई हो गए हैं. अब हम इनकी मास्किंग टेप को रिमूव करेंगे. देखिए कितनी स्मूथ लाइन बनकर आई है. जैसा कि आप देख रहे हैं, इस तरह की लाइन आर्ट मैंने आपसे पहले भी शेयर की थी, उन्हीं में से मैंने ये दो सिलेक्ट की हैं. मैं आपको सजेस्ट करूंगी थोड़ी इजी ड्राइंग ही लीजिएगा इस तरह की आर्ट के लिए. इस तरह के प्रिंटआउट आपको इजीली पिंटरेस्ट पे अवेलेबल हो जाएंगे. आप डायरेक्टली प्रिंटआउट लेकर भी यहाँ पर ट्रेस कर सकते हैं. अगर आपके पास लाइट कलर का कार्बन पेपर है, जैसा कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ, तो उसे यूज़ करें, लेकिन मेरे पास नहीं था. दैट्स वाई आई एम यूजिंग द ओल्ड ट्रिक. मैंने बैक साइड पे इस पर पेंसिल से स्ट्रोक्स लगा लिए हैं, उस तरीके से ही मैं इसे यहाँ पर ट्रेस कर रही हूँ. अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता है ये ट्रिक क्या है. मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ शेयर की है. ट्रेस कर लिया है लाइट कलर पर, तो डिज़ाइन ट्रेस हो गई और लाइटली विजिबल भी हो रही थी, पर डार्क शेड पर ये विजिबल नहीं हो पाई. तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कंपास की हेल्प से इस पर डॉट डॉट्स बनाकर डिज़ाइन को नीचे ट्रेस कर लिया है. जैसा कि आप देख पा रहे हैं किस तरीके से डिज़ाइन हमारे कैनवास पे आ गई है. प्रोसेस थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग तो है, बट दिस स्टेप विल हेल्प अस इन एम्ब्रॉयडरी. आपको ये आगे पता चलेगा कैसे. मैंने एम्ब्रॉयडरी के लिए यहाँ पर वाइट कलर के साथ साथ ब्लू और ग्रीन कलर का थ्रेड लिया है. ये एम्ब्रॉयडरी इज़ क्वाइट ईजी, बट एज़ यू नो इट इज़ ऑल्सो टाइम कंज्यूमिंग. जस्ट फॉलो द स्टेप्स एंड सी हाउ आई एम डूइंग द एम्ब्रॉयडरी. मैं यहाँ पर बैक स्टिच यूज़ कर रही हूँ. अगर आपको स्टिचिंग के बारे में आइडिया है, हमें इस तरह से निडल को आगे से निकालना है और बैक की स्टिच से वापस नीचे की साइड लेके जाना है. अगेन एक स्टिच आगे हम अपनी निडल को निकालेंगे लाइन के ऊपर और अगेन बैक स्टिच से नीचे को ले जाएंगे. यही स्टेप हमें बार बार फॉलो करना है. इस तरह से मैं अपनी डिज़ाइन पूरी कैनवास पर आ जाएगी. हमें यहाँ पर कंट्रास्ट कलर यूज़ करने हैं बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग. पूरी एम्ब्रॉयडरी में हमें सेम यही स्टिच यूज़ करनी है. मैं आपको निडल दिखाना भूल गई. ये कुछ इस तरीके की बिग साइज़ निडल है जिसमें बिग साइज़ होल बना हुआ है. कंपास से होल करने की वजह से निडल को कैनवास में से निकालना ईजी हो गया है. एम्ब्रॉयडरी के एक थ्रेड में 6 स्ट्रैंड्स होते हैं और मैंने 6 स्ट्रैंड्स ही लिए हैं यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी के लिए. मैंने यहाँ पर वाइट पोर्शन पर कोई कलर नहीं किया. आप चाहें तो फिनिशिंग देने के लिए वाइट कलर का यूज़ कर सकते हैं, बट इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. दैट्स वाई मैंने नहीं किया है. मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि एम्ब्रॉयडरी करने से पहले आप कंपास की हेल्प से इस तरीके से पूरी ड्राइंग पर होल्स बना लें एंड देन पुश द निडल्स थ्रू द सेम होल्स.
मैं आपको एक सजेशन और दूंगी कि इस तरह की पेंटिंग के लिए सिंपल डिज़ाइन को सिलेक्ट करिएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट डिज़ाइन मत लीजिएगा क्योंकि एम्ब्रॉयडरी करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए और ये प्रोसेस थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग है, जैसे मैंने बताई होल्स बनाने वाली भी और एम्ब्रॉयडरी वाली भी, बट एट द सेम टाइम इट इज़ क्वाइट ईजी, कोई बिगनर भी इसको ईजिली बना सकता है क्योंकि इसमें पेंटिंग के लिए तो कुछ खास है नहीं, एम्ब्रॉयडरी भी बहुत ही ईजी और सिंपल है। इस तरीके से हम दोनों ही पेंटिंग्स को रेडी कर लेंगे। ये प्रोसेस टायरिंग ज़रूर थी बट आई एन्जॉयड द होल प्रोसेस, मुझे बहुत ही मज़ा आया। मैंने इस DIY को कम्प्लीट किया वाइल वॉचिंग TV विद माई लव्ड वंस, आई थ्रॉली एन्जॉयड द होल प्रोसेस। जब भी मैं कोई DIY बनाना शुरू करती हूँ मैं उसमें बस लग जाती हूँ, चाहे मैं कितनी ही टायर्ड क्यों ना हूँ, लेकिन मुझे उसको करना ही होता है बिकॉज आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू सी द फाइनल आउटकम। गाइज क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? प्लीज़ कॉमेंट मी इन द सेक्शन बिलो। तो आप भी एंजॉय करते हुए इस वर्क को करिएगा एंड यू विल रियली फील अमेज्ड व्हेन यू विल सी द फाइनल रिवील। सो गाइज आई होप आपको आज की पेंटिंग आइडिया जरूर पसंद आई होगी। इफ़ यू रियली लाइक इट प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। तो गाइज मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद मोर अमेजिंग क्राफ्ट जेम एंड आइडियाज़। Till then, take better care of your health, be crafty, keep inspiring, and bye-bye.